तो आज मैं आप सभी के साथ कुछ नया और टेस्टी सा शेयर करने वाली हूँ। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आज बनाऊंगी ये टमाटर की चटनी, रोस्टेड टमाटर की चटनी, जिसे आप 3 से 4 दिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। गर्मियों में आप इससे रोटी, पराठा, चावल कुछ भी खा सकते हैं। इसके साथ ही मैं बनाऊँगी बीटरूट की ये टेस्टी वाली रोटी, मसालेदार रोटी बनाऊंगी। बीट रूट की बहुत ही हेल्दी होती हैं, टेस्टी होती हैं, और बीट रूट इस तरह से कोई खाने में आनाकानी नहीं करेगा। गाइस आपको पता है वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है, इससे कि आप भी ये बना सकते हैं। तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक चाली रख दी है गैस पर, गैस को चालू कर देंगे एकदम लो फ्लेम पर। यहाँ पर मैंने 4 ये मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर आपको एकदम पके हुए और लाल से लेने हैं और इस तरह से जाली में रख देना है। अब गैस का फ्लेम आपको मीडियम टू हाई पर करते हुए टमाटरों को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। धीरे धीरे से इनकी जो स्किन है वो निकलना शुरू कर देगी। तो अच्छे से आपको ये काला होने तक इसके छिलके को भूनना है। 3 से 4 मिनट आपको इसे भूनने में लग जाएगी, लेकिन ये जो टमाटर हैं बहुत ही आसानी से भून जाते हैं। और ये इस तरह से, ये देखिए मैं देख रही हूँ, चिमटे से अच्छे से आप केयरफुली से उलट पुलट दीजिए, जिससे कि सभी तरफ से हमारे टमाटर रोस्ट हो जाए। और ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गई हैं, टमाटर भी अच्छे से ये काली इसकी स्किन यहाँ पर ही निकलना शुरू कर दी है। तो बस अब मैं ले रही हूँ चमचा और एक प्लेट में टमाटर जो हमने रोस्ट किए हुए हैं वो निकाल देंगे। अब फिर से उसी मैंने जाली पर रख दी है एक छोटी प्याज, 4 से 5 यहाँ पर मैंने लहसुन की कलियाँ एकदम जुड़े हुए रखी थी, बस वही डाल दी हैं। 1 इंची का अदरक का टुकड़ा बिना छीला मैंने इसमें जाली पर रख दिया है। इसे भी हमें उलट पुलट कर अच्छे से सेक लेना है बिल्कुल अच्छे से। ये जो कांदा है आप देखेंगे जब इसे छीलेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट जैसी और चिकनी सी हो जाएगी भुनने के बाद। इसको ज़्यादा टाइम आपको भुनने में नहीं लगेगा, 2 मिनट के लगभग में ही ये जो सारी तीनों चीज़ें हैं हमारी भुन करके रेडी हो जाएंगी। गैस को कर देंगे बंद और यहाँ पर मैं जो अदरक, लहसुन और प्याज भुनी हूँ उसे निकाल लेंगे साइड में। अब जब तक ये चीज़ें भुनी है हमारे टमाटर भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं और टमाटर की जो स्किन है उसे हमें निकाल लेना है। ये देख रहे कितने आसानी से इसकी स्किन निकल जाती है। ये देखिए बिल्कुल साफ आपको ये टमाटर कर लेना है, जो इसका काला काला जो स्किन है उसे साइड में निकाल कर आपको इसे फेंक देना है। जब तक ये टमाटर हमारे ठंडे हुए, हमने प्याज और लहसुन अदरक को भून लिया। अब ये प्याज और हमारी अदरक ठंडी होगी तब तक हम टमाटर को छील कर रेडी कर लेंगे। और ये लीजिए अब लहसुन और प्याज भी ठंडी हो गई है, तो बस इसकी कलियाँ निकाल कर इन्हें छील लेंगे। लहसुन इस तरह से अगर आप भून कर छीलेंगे तो बहुत ही इजीली ये छील जाती हैं लहसुन की कलियाँ। बस रोस्ट करके आप इसे छील लीजिए, इजीली भून जाएंगी, भून भी जाएंगी अंदर तक, सॉफ्ट हो जाएंगी और छीलने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो इसी तरह से मैं प्याज और अदरक को भी छील लूँगी। अब मैं ले रही हूँ एक चॉपर, चॉपर लगभग सभी के घरों पर मिल जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मिक्सर जार में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन ये जो चटनी है ये थोड़ी दरदरी ही पीसेगी, एकदम बारीक पीस करके नहीं रखेंगे। ये जो चॉपर है इससे पीसना ये जो काम काफ़ी काम आसान हो जाता है। इसमें मैं प्याज, गाजर, टमाटर और हरा धनिया भी इस तरह से ही चॉप कर लेती हूँ। सारे टमाटर हमने इसमें एकदम रफली काट कर डाल दिए हैं। अदरक का टुकड़ा भी मैं इसी बैच में डाल दूँगी और प्याज भी डाल देंगे जो हमने भून के रखी थी उसके बड़े बड़े टुकड़े काट दिए हैं, और बस चॉपर को चला लेंगे। अब आपको चॉपर में भी ज़्यादा देर इसे नहीं इस तरह से घुमाना है, बिल्कुल थोड़ा सा 5 मिनट भी नहीं लगेगी आपको इसे बारीक करने में। और ये देखिए एक बार देख लीजिए प्याज और टमाटर अच्छे से पिस गए हैं, दर दरे से दिख रहे होंगे आपको, थोड़े टमाटर के चंक्स भी दिख रहे होंगे।
अब फिर से चॉपर मैंने ले लिया है, इसमें लहसुन की कलियाँ और तीन मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्ची भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर हरी मिर्ची ऐसे ही डाल रही हूँ। और ये मैंने एक मुट्ठी हरा धनिया लिया है, इसे भी चॉपर में ही सेट कर दूँगी। मैं आपको बता रही थी ना, मैं चॉपर में धनिया भी काट लेती हूँ, ईजी हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें। और ये लीजिए, धनिया भी हमारा कट करके रेडी हो गया है। ये देखिए बिल्कुल बारीक पीस गया है, ज़्यादा दर एकदम बारीक आपको नहीं पीसना है। जैसे मैंने पीसी है सारी चीज़ें दरदरी बिल्कुल इसी तरह से पीसनी है। और ये जो हमारी चटनी है बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे रोटी पराठा चावल खा सकते हैं। ये देखिए, या फिर चीला अगर आप बना रहे हैं किसी भी चीज़ का, आप वो भी इससे खा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप डोसा बना रहे हैं और आपने चटनी नहीं बनाई है और आपके पास ये चटनी रखी है, तो आप वो भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। एक बार बनाइएगा तो बार बार इसे बनाकर इंजॉय करिएगा। जल्दी बन जाती है गर्मियों के सीज़न में, और गर्मी में खड़ा भी नहीं होना पड़ता है रसोई में, और 2 से 3 दिन तक चल भी जाती है। तो ये देखिए, मैं हमेशा ही ये जो चटनी है घर पर गर्मियों में बनाकर रख देती हूँ। और ये देखिए, एक बार मैंने इसे मिला दिया। इसमें डाल देंगे नमक, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और हाँ, जो मैंने हरी मिर्ची डाली है आप वो हरी मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया है, थोड़ा सा इसे गरम कर दिया है। इसमें तड़का लगाएंगे राई और जीरे का, इसमें और कुछ हम नहीं डालेंगे। आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल कच्चा भी डाल सकते हैं बिना तड़का लगाए, उसके बिना भी ये जो चटनी है काफ़ी टेस्टी लगेगी। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल आपके घर पर होता है बस वही आप ले लीजिए और इसे मिला देंगे। ये देखिए हमारी जो आज की मस्त चटपटी टेस्टी और जल्दी बनने वाली रोस्टेड टमाटर की चटनी बन करके रेडी हो गई है। इसे रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है। और गरम गरम आप पराठा रोटी या चावल और ठंडी ठंडी चटनी इंजॉय करिएगा। ये देखिए देखने में भी कितनी ये सुंदर लग रही है। चलिए इसे मैं रख देती हूँ फ्रिज में ठंडा होने, बाकी की जो हम पराठे बना रहे हैं उसकी तैयारियाँ कर लेते हैं। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी बीट रूट के पन मसालेदार पराठे। अगर बीट रूट कोई नहीं खा रहा है तो आप इस तरह से खिला दीजिए। कुकर में मैंने 2 बीट रूट धोकर छील कर रफली काट कर डाल दी है, और 1/2 कप पानी भी ऐड कर दिया है। 2 सीटी लेंगे मीडियम फ्लेम पर, और ये देखिए बीट रूट हमारी अच्छे से यहाँ पर बॉयल हो गई है। चाकू से देख लीजिए और मिक्सर जार में डालकर आपको इसे रख लेना है। थोड़ा सा ठंडा ही होने दीजिएगा तभी आप पीसिएगा। 4 से 6 हरी मिर्ची डाली है, 2 इंची का अदरक का टुकड़ा मैंने यहाँ पर इसे इसको छील कर डाल दिया है। हरी मिर्ची मेरी तीखी कम है इसलिए मैंने 6 डाल दी हैं, अगर आपके पास तीखी वाली हैं तो कम कर सकते हैं। और ये देखिए पीस करके इस तरह का दिखने लगेगा, कलर कितना सुंदर लग रहा है। अब मैंने यहाँ पर 3 कप के लगभग लिया है व्हीट फ्लोर। आज का जो पराठा है हम व्हीट फ्लोर से बना रहे हैं, आप चाहें तो मैदा से भी बना सकते हैं या फिर दोनों का आधा आधा मिक्सिंग भी कर सकते हैं। अजवाइन मैंने हथेलियों से क्रश करके डाल दी है 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच ही मैं इसमें डाल दे रही हूँ दरदरी कुटी हुई लाल मिर्ची। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक 1/2 चम्मच ही जाएगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिसमें मैंने धनिए की सिर्फ पत्तियाँ ली हैं, डंठल नहीं लिए हैं। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और कुकिंग ऑयल डालने के बाद एक बार हल्के हाथ से आटे में सारे मसाले को मिला देना है, जिससे कि जो हमने ऑयल डाल इससे हमारा जो पराठा है सॉफ्ट बनेगा और थोड़ा सा क्रिस्पी भी लगेगा। एकदम जो आटा है रूखा रूखा नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बीट रूट पिसा हुआ, जो हमने उबाल कर पीस के रखा था, बस वही। ये काफ़ी गर्म है, ये जो बीट रूट है कल मैंने आप सभी के साथ इसकी रेसिपी शेयर की थी, मैंने परफेक्ट तरीके से बिल्कुल फुल रेसिपी शेयर की हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है। बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी थी चना दाल और बीट रूट की, तो आप जाकर देख सकते हैं। और इस तरह का एकदम हार्ड डो लगा कर तैयार करना है, सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, एकदम टाइट लगाना है। 10 मिनट इसे ढक्कन लगा कर रख देना है। 10 मिनट बाद मैंने यहाँ पर एक लोई ले ली है, और ये देखिए मैंने थोड़ी रोटी से बड़ी ही साइज की ली है,
और ये जो हम पराठा बना रहे हैं इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। बस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, आप भी इसे बनाकर घर पर एंजॉय कर सकते हैं। जब तक ये बड़े कर रहे हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर लें। ये देखिए और मुझे बताइए कि आज की मेरी ये जो रेसिपी है आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं। और ये मैंने यहाँ पर चिमटी ले ली है और इससे ही हम अपने रोटी में ये डिजाइन बनाकर तैयार करेंगे। ये प्लकर नहीं है, अगर आपको बताऊं ये है जो बीज आते हैं ना खरबूजे के, मस्क मिलन के जो बीज आते हैं उससे इसे उसको इससे छीलते हैं, बहुत आसानी से छील जाते हैं। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो सारी रोटी पर मैं देखिए इस तरह से ही ये डिजाइन बना दूँगी। देखने में भी काफ़ी सुंदर है, जो खाएगा वो पूछेगा कि आपने ये डिजाइन कैसी बनाई है और आपकी वो तारीफ ज़रूर करेगा। तो चलिए इसे मैं सेक कर रेडी करती हूँ। गैस पर रख दिया है तवा, तवे के गर्म होते ही हम इसमें अपनी चपाती डाल देंगे। एक साइड से इसे अच्छे से पसने देंगे, पलट देंगे और फिर से मैंने ले ली है जाली और इसे रख देंगे। 2 सेकंड गर्म होने देंगे, नहीं तो अगर आप ठंडे पर ही इस रोटी को डाल देंगे तो ये चिपक जाएगी। अब आपको इसे सेकने का एक तरीका चाहिए, कैसे कि आपको एकदम मीडियम टू लो पर करते हुए रोटी को सेकना है। इसे कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना है, बहुत ही आसानी से ये सिक जाएगी। ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं एक रोटी को सेकने में आपको 5 से 6 मिनट लग जाएगी, लेकिन ये जो रोटी है देखने में देखते ही कोई एक बार आपको वाओ करके ज़रूर बोलेगा कि आपने कितनी ये सुंदर और टेस्टी बनाई है, क्योंकि हमने इसमें मसाले भी ऐड किए हैं। ये देखिए रोटी हमारी फूल करके रेडी हुई है। देखिए सभी तरफ से अच्छे से एकदम लो फ्लेम पर करते हुए मैंने इसे सेक लिया है उलट पुलट कर। तो इसी तरह से चलिए दूसरी रोटी भी मैं सेक करके रेडी कर लेती हूँ और प्लेट लगा देती हूँ। और ये लीजिए दोनों रोटियाँ मैंने यहाँ पर सेक ली हैं। देख रहे हैं देखने में कितनी ये सुंदर लग रही है। थोड़ा सा टाइम लगा है पर देखने में रिज़ल्ट इसका देखिए आप कितना परफेक्ट और बढ़िया आया है। मैं ले रही हूँ देसी घी, अब आपको इसमें देसी घी थोड़ा ज़्यादा लगाना है, इससे ये जो रोटी है बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप बटर भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ। चलिए अब लगा देते हैं प्लेट। एक बार आप रोटी फिर से देख लीजिए कितनी देखने में ये सुंदर लग रही है। जब देखने में सब्जी या रोटी कोई भी सुंदर लगी हो और प्लेट परफेक्ट लगी हो तो जो भूखा नहीं भी होगा उसे भी भूख लग जाएगी। और ये आ गई हमारी रोस्टेड टमाटर की चटनी। और ये मैंने आप सभी के साथ लसोड़े की अचार की रेसिपी भी शेयर की थी, बस वही मैं इसमें रख रही हूँ। मिर्ची का अचार इसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। और चलिए टेस्टी वाली थाली लगकर रेडी हो गई है। आई होप आप सभी को आज की मेरी ये यूनिक रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी आप सभी से एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।